आप देख रहे हैं एवरग्रीन हिंदी सिनेमा रोज़। आज की हमारी इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में हमें कई आइकॉनिक फिल्म्स दी हैं। आज भी जब बॉलीवुड में बेस्ट फिल्मों की बात की जाती है तो 60 और 70 के दशक की कुछ फिल्मों के नाम लोगों की जुबा पर तुरंत आ जाते हैं। इस आइकॉनिक फिल्मों में से एक सत्यम शिवम सुंदरम भी है। कहा जाता है कि राज कपूर ने सत्यम शिवम सुंदरम फिल्म बनाने के लिए अपनी जी जान लगा दी थी। राज कपूर के साथ इस फिल्म में जीनत अमान ने भी बेहद खूबसूरती कलाकारी दिखाई थी, लेकिन कहा जाता है कि जीनत अमान के रूपा के किरदार के लिए पहली पसंद नहीं थी। जीनत की जगह पहले फिल्म हेमा मालिनी को ऑफर की गई थी। इंटरटेनमेंट खबरों की माने तो हेमा मालिनी ने सत्यम शिवम सुंदरम के लिए स्क्रीन टेस्ट भी दिया था। फिर कुछ ऐसा हुआ कि एक्ट्रेस ने फिल्म को टाटा बाय बाय कह दिया। कहा जाता है कि जब हेमा मालिनी आरके स्टूडियो पहुंची तो वहां उन्होंने फिल्म में बोर्ड किरदार की कहानी सुनी तो वह शॉक रह गई। हेमा मालिनी को किरदार के लिए कॉस्ट्यूम से लेकर अंदाज सभी के बारे में पता लगा तो उन्होंने अपने हाथ फिल्म से खींच लिए। हेमा मालिनी ने पहले बैठकर पूरी स्क्रिप्ट सुनी और फिर स्क्रिप्ट टेस्ट के लिए कॉस्ट्यूम लेकर चेंजिंग रूम में गई, फिर वहीं से अचानक वह स्टूडियो से निकल गई। खबरों की माने तो हेमा मालिनी ने चुपचाप आरके स्टूडियो से निकलने के बाद जब राज कपूर को पता चली तो वे सारा माजरा समझ गए। ना ही उन्होंने फिर हेमा मालिनी से पूछा और ना ही हेमा मालिनी ने उन्हें बताया। कहा जाता है कि राज कपूर ने उसी के तुरंत बाद सत्यम शिवम सुंदरम के लिए एक नया चेहरा ढूंढना शुरू कर दिया। फिर जाकर जीनत अमान को अप्रोच किया गया। जब जीनत अमान को फिल्म और किरदार के बारे में पता चला तो उन्होंने राज कपूर का ऑफर तुरंत एक्सेप्ट कर लिया। बाकी फिल्म की सक्सेस कहानी और रूप का किरदार आज पूरी दुनिया के सामने है। वेल दोस्तों, आपको सत्यम शिवम सुंदरम मूवी कैसी लगती है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही तमाम ऐसी और अपडेट्स को पाने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें।